नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर भोला हमला। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से पाकिस्तान के तेवर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया उसके बाद उसके तेवर और भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बता दूं, एक बार फिर पाकिस्तानी सेना का भारत पर तंज। कहा अफगानिस्तान में उसका निवेश डूब रहा है और ये खबर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का अगर नुकसान हो तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा लगता है। भले ही तालिबान वहाँ पर कब्जा कर रहा हो और तालिबान कब्जा करेगा तो भारत का जो अरबों डॉलर के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, जिसकी खुशी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। बता दूं आपको, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अगर अच्छी नीयत से निवेश किया होता तो आज उन्हें जिस मायूसी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। बता दूं आपको, डॉन अखबार के अनुसार बात करें, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में ये बात कही है। अखबार लिखता है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारत की सारी कोशिश इस बात पर थी कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आज उनको तो तमाम निवेश डूबता जा रहा है। इस इंटरव्यू में बाबर इख्तियार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बहुत से पहलू हैं और इस वक्त यह एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और सभी इस बात को समझते भी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की है। पाकिस्तान उस शांति प्रक्रिया में सफल होने की गारंटी नहीं दे सकता। बता दूं, इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सेना के प्रवक्ता का कहना था कि पाकिस्तान ने पूरी नेक नियति के साथ इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें निश्चित तौर पर दूसरे साझेदार भी शामिल रहे हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका एक सहायक की है और अभी भी पाकिस्तान ये काम कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया की सफलता की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुरू से यही मानना रहा है कि इस शांति प्रक्रिया का नेतृत्व अफगानिस्तान को ही करना है। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश करता रहेगा। अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा करने के तालिबान के दावे पर के बारे में उन्होंने कहा कि तालिबान बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहा है, मगर उनके आकलन के अनुसार तालिबान इस समय अफगानिस्तान के 45-50% इलाकों पर कब्जा कर चुका है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर भविष्य में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर सत्ता स्थापित करता है तो यह अफगानिस्तान की जनता का अपना फैसला होगा और इसमें बाहर से उनको कोई निर्देश नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सेना अगर सफल होती है तो ये भी अफगानिस्तान की जनता का फैसला होगा। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अपना कोई पसंदीदा गुट नहीं है और अफगानिस्तान की जनता को यह तय करना है कि वो अपने देश में कैसी सरकार चाहती है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बंदूक भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। उनका कहना था कि बंदूक ने पिछले 20 सालों में फैसला नहीं किया तो आगे क्या फैसला करेगी। तालिबान के हालिया सैन्य सफलता एक आक्रमणकारी कार्रवाई है, लेकिन हर हालत में फैसला बैठकर ही करना होगा, नहीं तो इससे गृह युद्ध की आशंका है जिसमें किसी की भी भलाई नहीं है। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ मदद करे। अफगानिस्तान का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त आक्रांता का साथ दे रहा, आक्रांताओं को बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, उस पर ये बात सामने निकल कर आई है कि अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई है। अखबार जंग के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने पाकिस्तान के एक निजी न्यूज़ चैनलों को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि तालिबान को रोकने में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। उनका कहना था कि इस वक्त अलकायदा, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान TTP और दूसरे समूह तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे दहशतगर्द एक जैसे होते हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि वो तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करने में अफगानिस्तान की मदद करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति बहाल करना अफगानिस्तानी नेतृत्व
मजबूत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से फोन पर बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के मामलों में पाकिस्तान और अमेरिका की सोच एक जैसी है। कुरैशी ने कहा कि इतिहास में सबक सीखकर पाकिस्तान आगे की रणनीति बना रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है। कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तालिबान के शीर्ष नेतृत्व, अफगानिस्तानी सरकार और उत्तरी गठबंधन नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं के संपर्क में है। कुरैशी ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री माफी चाहूँगा कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर को पाकिस्तान आने की दावत दी है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ हैं कि अफगानिस्तान में हालत बहुत ज़्यादा खराब है और पाकिस्तान से काबू से बाहर है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की आशंका। पाकिस्तान के डेल्टा वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय मंत्री और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी एसीओसी के प्रमुख असद उमर ने कोरोना की चौथी लहर शुरू होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन नहीं किया गया तो फिर से कई पाबंदियां लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले इसकी चेतावनी दी गई थी लेकिन अब तो चौथी लहर के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद से पहले ही पाबंदियाँ लागू कर दी जाएंगी। 1 अगस्त से बगैर वैक्सीन लिए हवाई यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा देश के अंदर ही पर्यटन पर जाने वाले 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर यात्रा करने और होटल में बुकिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान लगातार उन देशों को बढ़ावा दे रहा है जो आतंकवादियों को पालते हैं, आतंकवादियों को पोसते हैं, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिहाद को फैलाया है, आतंकवाद को फैलाया है, उसकी कमर अब टूटनी चाहिए। इस वक्त साथ देना चाहिए अफगानिस्तान का। जो भी देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो, अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं जो हिंसाएँ हो रही हैं उन पर रोक लगे और तालिबान के कानून लागू वहाँ पर ना हो, तालिबान को भी नष्ट किया जाना चाहिए। तालिबान के कानून कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के लिए सही साबित नहीं हो सकते। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। और आज तालिबान पर भारत ने का जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जो अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट भारत के चल रहे हैं, उन पर रोक भी लग सकती है क्योंकि इन जिहादियों ने जिस तरह से हथकंडे अपनाए हैं भारतीय सेना को और भारत प्रोजेक्ट को नष्ट करने का, उस पर कहीं ना कहीं अब सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जिहादी ऐसे ही भारत की ज़मीनों पर कब्जा करते रहेंगे और भारतीय विस्तार में रोड़ा बनेंगे। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।